मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहे किन्नर समूह के जीवन यापन के संबंध में योजना बनाने की बात कही है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह किया है कि कोरोना की वजह से थर्ड जेंडर को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शादी समारोह और अन्य शुभ कार्य, ट्रेनों में नाच गाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाला यह वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अनलॉक होने के बावजूद भी उनके आर्थिक स्रोत पूरी तरह से बंद हैं। उन्होंने कहा, जागरूकता के अभाव में विगत वर्ष केंद्र सरकार द्वारा 1500 रुपए के निर्वाह भत्ता से भी यह वर्ग वंचित हो चुका है, इसीलिए इस वर्ग के जीवन यापन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर उनकी मदद की जाए। देश में इस समुदाय की संख्या 5 लाख से अधिक है। इनका विधिवत सर्वे कर शासन की योजनाओं का लाभ भी दिया जा सकता है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि हमारे देश में थर्ड जेंडर किन्नर समाज के जो लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी तत्काल में संवेदनशीलता के साथ ध्यान दें। ये वर्ग जो है आर्थिक बदहाली के कगार पर है। कोरोना महामारी के दौर में जब ट्रेन बंद हो गई, सड़क चौराहे बंद हो गए, शादी विवाह बंद हो गए, तमाम समाज को खुशियां देने वाले, आशीर्वाद देने वाले इस समाज के जो लोग हैं आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इनके खाने पीने तक की व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी गंभीरता से ध्यान देते हुए इन्हें तत्काल में वैक्सीनेशन भी कराएं और साथ ही इनके सामाजिक उत्थान के लिए, इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए गंभीरता से सोच विचार करते हुए इस वर्ग के लिए ध्यान दें, जिससे ये वर्ग भी समाज पर अपना जो वर्ग है उस वर्ग में खाने पीने आदि की व्यवस्थाएं हो सके। इसके लिए मैं सबको प्रणाम करता हूं, प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि इस वर्ग को ध्यान में देते हुए इनकी मदद करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।